हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट बिट ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो आई गेस आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि 4 महीने में 150% तक का रिटर्न। ठीक है, अब मैं आपको वो एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं। ये पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रहा होगा 5 मई का, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए, 5 मई को ये पर्टिकुलर एरिया पे मैंने ये स्टॉक अपने लर्निंग ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा था 156 के प्राइस पे। आप तो विश्वास नहीं करोगे, विश्वास करने के लिए आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, तो आई होप आपने देख लिया कि 5 मई को ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ लर्निंग ग्रुप में शेयर करा था। और अगर मैं यहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अभी कितना रिटर्न दिया, अगर मैं यहां से मार्क करके आपको दिखा दूं तो देखिए, इसने ऑलमोस्ट 144% के आसपास का यहां पे रिटर्न दिया है। ठीक है, कितने महीने में? 4 महीने में। ठीक है, इस चीज को एक बार मैं अब यहां से हटा देता हूं। इसे हटाने के बाद अब एक चीज आप यहाँ पे देखो, मैं आपको अपना टेलीग्राम दिखाना चाहूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम में नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो, 9 अगस्त को मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक बिरला केबल हमारे फ्री के टेलीग्राम में आप लोगों के साथ शेयर किया था 244 पे। ये है वो प्राइस 244 का, 245 के आसपास मैंने देखो ये वाला एरिया पे शेयर किया था। अब यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां से इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है? ऑलमोस्ट 56% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब एक बार इस चीज को भी हटा देते हैं कि आप यहां पे भी नहीं खरीद पाए, यहां पे भी आपने मिस कर दिया। अब एक बार आपको यहां से हटा के मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। देखो, ये भी एक लाइन मैंने मार्क करा हुआ है 285 के आसपास इस पर्टिकुलर डेट पे, विच इज 22 अगस्त का डेट था। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, इस चीज को यहां पे देखो। ये देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने ये एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर रहा हूं मैं यहां पे। ये देखो, प्राइस ने क्या किया, इस एरिया को ब्रेक करा हुआ है। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है तो मैं ये स्टॉक आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, एक चीज को आप समझना। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास चलता है ना, तो जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं कि जब ऑल टाइम हाई के पास कोई स्टॉक चलता है ना, तो लोग वहां पे बाई करने से डरते हैं। जैसा कि मैंने ये चीज आपको बोला कि ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है तो मैं क्यों दे रहा हूं, एक चीज हमेशा याद रखना, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो ही वो दूसरा ऑल टाइम हाई बनाएगा। इसीलिए जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है ना, लोग डरते हैं कि यार ये ऑल टाइम हाई पे है, प्राइस कहीं सडनली फॉल ना कर जाए। और उसी एरिया पे ना बड़े प्लेयर्स जो ऑपरेटर हैं, जो बड़े FIIs, DIIs, बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, वो लोग इस प्राइस को रैली लेके जाते हैं। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल आपको एकदम लाइव दिखाना चाहूंगा, मैंने अभी मेरे दिमाग में याद आया, ध्यान से चीजों को समझना। हाई इसने लगाया, फिर दूसरा। अब मैं आपको पूरा वीडियो यहाँ पे दिखाने में काफी लेट हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या सुना, मैंने वीडियो में ये बोला कि जहां पे रिटेलर डरते हैं, मैंने ये बोला जहां पे रिटेलर डरते हैं वहां पे FIIs, DIIs, बड़े प्लेयर इस प्राइस को रन कराते हैं। ठीक है, 285 के आसपास मैंने ये प्राइस आप लोगों के साथ शेयर करा था। 285 से भी देखिए, इसने मैंने 22 अगस्त को शेयर करा था, ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर इसने यहाँ पे हमें कितने परसेंट की रैली दी है, इसने ऑलमोस्ट यहां से इसने 35-36% की यहाँ पे रैली दी है। यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, हमारा ये दोनों टारगेट भी मैंने आपके साथ शेयर करा था, ये दोनों टारगेट्स भी हमारे आने वाले समय में आपके सामने अचीव होते हुए हमें दिख जाएंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक था, इसीलिए मेरा टारगेट भी इसमें बड़ा था। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये जो फाइनल टारगेट अचीव हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा 40% का टारगेट भी अचीव हो जाएगा। सिंपल तरीके से अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं आपको बताऊं, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में इस एरिया तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखो। ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके एग्जांपल के साथ, मैंने 22 तारीख का वीडियो है, वो 22 तारीख के वीडियो को जाके देखना, पार्ट 2 जो 22 तारीख का वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से एग्जांपल देके आपको चीजें समझाई है। जब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं, मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्राइस से अभी भी प्राइस इस एरिया तक जा सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरे बात पे बिलीव करके आप इन्वेस्टिंग मत करिएगा, क्योंकि पैसा आपका, अगर आप रिस्क लेते हो तो रिस्क भी आपका होगा, रिवॉर्ड भी आपका होगा। ठीक है, तो
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से समझने के बाद ही बाय करेगा। तो ये था मेरा स्टॉक जिसमें मुझे आपको अपडेट देना था। अब जो आज का हमारा पहला स्टॉक है वो है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आपने देखा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लोगों ने 1 सितंबर को, यानी कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, उस पर्टिकुलर डेट पे हम लोगों ने इसे इस एरिया के आसपास अपने लर्निंग ग्रुप में दे दिया था। ठीक है, अभी अगर मार्केट समझ लो इस एरिया के पास ओपन हुआ ना, अगर ओपन होने के बाद में अगर इस एरिया से ये मैं पकड़ लेता हूँ कि मार्केट डायरेक्टली इस एरिया पे ओपन हुआ, तब भी देखो इसने 2 दिन में यहाँ पे 15% की रैली दिया। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 33% के आसपास की रैली है। ठीक है, बट सिंस इस एरिया के आसपास ओपन हुआ, तो अगर ओपन होते ही किसी ने खरीदा होगा तो भी उसे अभी तक 2 दिन में 15% के आसपास की रैली मिल रही है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाले हमारे टारगेट्स क्या होने वाले, एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, मैं चीजों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करता। मेरा पहला टारगेट होगा 44 का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 48 के आसपास का। ठीक है, तो यही 2 टारगेट्स होंगे मेरे आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो मैं आने वाले समय में देखना चाहूंगा। और ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो प्राइस 60, 70, 80, 90 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा दूसरा स्टॉक। और आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है Network18। Network18 का अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आज अपने फ्री टेलीग्राम में भी Network18 आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। Network18 मैंने आप लोगों के साथ देखा 75 पे शेयर किया था, आज इसने ऑलमोस्ट 74.58 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों के लिए क्यों सेलेक्ट करके लाया हूं। सबसे पहले तो आप इस चीज को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखो और इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, मंथली टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। यस, अब यहां से देखो मुझे एक लेवल ये दिख रहा है जहां से प्राइस पहले सपोर्ट लेके बाउंस किया था, दोबारा वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस किया था, और उस लेवल को जब प्राइस ने ब्रेक करा डाउन साइड, तो एग्जैक्ट वहीं से मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन दिखता हुआ मिल रहा है। और वो एरिया कौन सा है, 67 का एरिया है। ठीक है, जैसे ही 67 का एरिया वहां पे ब्रेक हुआ, प्राइस कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस ने फॉल करा। यहां से सारे रिटेलर्स को निकालने के बाद अब प्राइस यहां पे बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक ऑपरेटर यहां से बायर्स को नहीं निकालेंगे मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। यहां से ऑपरेटर ने बायर्स को निकाला, निकालने के बाद और थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया और अब प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट देके। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में और एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, ये वाला लाइन मैं एक बार के लिए रिमूव कर देता हूं, और एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए भी दिख गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो ये प्राइस इस तरीके से आएगा ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करेगा तो हम बाई कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो हमारा लेवल है, ये वाला लेवल ब्रेक होगा ना, ये देखो ये हमारा एक लेवल है। ठीक है, 82 का लेवल ब्रेक होगा तो हमें बाई करना चाहिए, या फिर इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करने आएगा 62 के आसपास तो हमें बाई करना चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेक होने के बाद हमारा ऊपर साइड का टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट होगा 98 के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 120 के आसपास का। ठीक है, तो ये दोनों हमारे टारगेट होने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और अगर इस एरिया के आसपास आता है और तब अगर आप बाई करते हो तो हमारा पहला टारगेट होगा 82 का, सेकंड टारगेट 98 और दूसरा टारगेट होगा 120, मतलब ऑलमोस्ट डबल का टारगेट होगा अगर इस एरिया के पास आप बाई करते हो। बट थोड़ा सा यहाँ पे आपका पेशेंस चेक करेगा, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे आपको आने वाले समय में ये टारगेट देता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे 3 स्टॉक जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसी तरीके के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के 2 वीडियोस लेके आते रहता हूं। और अगर आप हमें लाइक करोगे तो आपके 1 लाइक हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारी फैमिली कहीं ना कहीं उससे ग्रो होती है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।